सो दोस्तों गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का इस नए ब्लॉग में। और आज मैं जा रहा हूँ न्यू दिल्ली इंडिया, एक साल के बाद जा रहा हूँ भाई। सो अभी मैं दिखाता हूँ आपको सिंगापुर से और न्यू दिल्ली की जर्नी, तो बने ही रहिए ब्लॉग में। आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ एयरपोर्ट और थोड़ी बहुत जानकारी जो कि होने वाली है काफ़ी इंपॉर्टेंट। सो देखते रहिए लास्ट तक और मिलते हैं फिर आगे। सो दोस्तों यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको जो अपनी फ़्लाइट की टाइमिंग और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सो कहीं भी फ़्लाइट लेने से पहले ये इन्फॉर्मेशन बोर्ड जरूर देखें। इसमें आपका गेट नंबर और टाइमिंग के बारे में सब कुछ डिटेल में आएगा। मेरा फ़्लाइट जो है आज 8:20 का है और अभी टाइम हो रहा है 6:30। सो गेट नंबर तो कन्फर्म है लेकिन अभी गेट खुला नहीं है, तो तब तक मैं इधर ही वेट करूँगा और थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करूँगा एयरपोर्ट के बाहर का इलाका आपको। सो बने रहिए लास्ट तक। काउंटर पे हमें हम अपना जो है टिकट कलेक्ट करेंगे और जो अपना लगेज है उसे यहाँ पर जमा करेंगे और फिर आगे चलेंगे इस तरफ। सो दोस्तों मैंने जो है जस्ट अभी अपना इमिग्रेशन क्लियर किया है, वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। तो अभी मैं अपने गेट की तरफ बढ़ रहा था तो अभी जाते ये गार्डन मिल गया मेरे को। सो मैं सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ ये ब्यूटीफुल गार्डन, देखिए कितना खूबसूरत है ये। सो गाइज ये है मेरा बोर्डिंग पास, जैसे कि आप देख सकते हैं गेट नंबर 33 और सीट नंबर 30G और टाइमिंग कहाँ है ये 7:10। सो ऑलमोस्ट होने वाला है स्टार्ट। गेट नंबर F30 से F42 तक एकदम एरो आगे की तरफ दिखा रहा है, तो हमको सीधे जाना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट एरो फॉलो कीजिए। और ये पीछे ही हमारा गेट नंबर है, रूम नंबर। सो यहीं से चलेंगे हम और देखते रहिए अब आगे। सो दोस्तों अभी हमारी फ्लाइट लैंड कर चुकी है न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे। सो अभी लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपसे हो सके तो आगे वालों को पहले निकलने दीजिए और आप वेट कीजिएगा, अगर आप पीछे हैं तो फिर चलो आगे चलते हैं। जैसे आप प्लेन से बाहर निकलेंगे आपको एग्ज़िट और लगेज का एरो दिख जाएगा, तो आपको जस्ट एरो फॉलो करना है। अगर आप नए हैं, अगर आपको कुछ पता नहीं, तो आपके जो यात्री होंगे साथ में आप जस्ट उनको फॉलो करिए और उनके पीछे चलते रहिए और आप अपने लगेज तक पहुंच जाएंगे। वैसे बहुत इजी है, यहाँ पे आप किसी को पूछ भी सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो जस्ट एरो फॉलो करिए, वो उस पर क्लियर डायरेक्शन रहते हैं कि आपका लगेज किस तरफ है, दाएँ तरफ या बाएँ तरफ या स्ट्रेट। सो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। सो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर और सर्दी का मौसम है इसलिए मैंने जैकेट पहन ली है। तो चलो चलते हैं आगे, दिखाता हूँ आपको कहाँ कहाँ से होकर गुजरना है अभी और फिर मिलते हैं आगे। आगे से चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर नहीं किया अभी तक तो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो आगे हमको दिख रहा है एग्ज़िट इमिग्रेशन किधर है, हमारी राइट हैंड साइड में है जैसे एरो दिखा रहा है, तो हम राइट हैंड साइड ही चलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी लोग भी उसी तरफ जा रहे हैं, सो हम भी नीचे चलेंगे, उन्हीं को फॉलो करेंगे। और देखिए एकदम क्लियर दिख रहा है आपको लिखा हुआ ऊपर। सो घबराने की ज़रूरत नहीं, आप डोमेस्टिक ट्रांसफ़र भी यहाँ से ले सकते हैं और लगेज एग्ज़िट भी यहाँ से ले सकते हैं इमिग्रेशन चेक पॉइंट होते हुए।
गाइस ये देखिए राइट हैंड साइड में एक आइकॉनिक साइन, ये काफ़ी अच्छी मुद्राएं बनाई गई हैं यहाँ पर। और नीचे इमिग्रेशन है, कैमरा अलाउड नहीं है, सो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन आप इंजॉय करिए बस। इमिग्रेशन से निकलते ही हमें मिलेगा दिल्ली ड्यूटी फ्री। यहाँ पे आप ले सकते हैं लीकर, शराब, परफ्यूम, जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ पे सस्ते दामों में मिल जाएगा आपको। तो जो भी आपको लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। स्क्रीन में अपनी फ़्लाइट नंबर देख सकते हैं और कौन सी बेल्ट पे आपका लगे जा रहा है, सो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन पूरा बता देगा ये। सो जस्ट फॉलो करिए बेल्ट नंबर और आपका सामान आपको बेल्ट पे ही मिलेगा। मेरा इधर है तो मैं इस तरफ चलता हूँ। सो दोस्तों ये है हमारी बेल्ट जिसमें कि हमारी एयरलाइन जिसमें मैं आया हूँ उस फ्लाइट का सामान आएगा। ये बाकी सारे लोग भी मेरे फेलो पैसेंजर हैं, इनका सामान भी आ रहा है, सो ये भी अभी लाइन में वेट कर रहे हैं अपने सामान का। अगर बाई चांस कभी आपका लगेज थोड़ा लेट हो जाए तो बिल्कुल पैनिक मत होइएगा, आपका लगेज आएगा, थोड़ा इंतज़ार करिएगा। अगर नहीं आया तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं फाउंड और लॉस डिपार्टमेंट में, सो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे वो। लगेज लेने के बाद हमें जो है ये एग्ज़िट की तरफ जाना है, वे आउट लिखा जहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और ग्रीन चैनल के थ्रू जाना है हमको, रेड चैनल पर नहीं जाना है। अगर आपके पास कुछ डिक्लेयर करने के लिए तो आप रेड चैनल पर जा सकते हैं, वैसे जाने की ज़रूरत नहीं है। सो हम अभी ग्रीन चैनल को ही फॉलो करेंगे और एग्ज़िट करेंगे हम। जैसे यहाँ पे कस्टम है, अगर आपको क्लियर करना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं डिक्लेयर करने के लिए, तो मैं सीधा बाहर ही जाऊँगा। और बाहर देखते हैं, काफ़ी सर्दी है वैसे और बाहर का मौसम अभी काफ़ी ठंडा है, सो अपने साथ कपड़े ज़रूर लाइएगा अगर आप मौसम के हिसाब से आपको जैसे कपड़े सूट करते हों वैसे ही। सो आगे चलते हैं, फिर देखते हैं आगे बाहर का सीन क्या है। सो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं सिटी बसेस, यहाँ से आपको बस मिल जाएगी सिटी के लिए और बस अड्डे के लिए। वैसे मेट्रो स्टेशन नज़दीक है लेकिन मैंने बस में जाने का डिसाइड किया है। सो यहाँ से बस अड्डे का किराया है 100 रुपये और 25 रुपये एक्स्ट्रा सामान के लगे हैं, सो टोटल 125। सो देखिए ये दिखाता हूँ आपको बिल।
सो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं आइस बीटी बस अड्डे कश्मीरी गेट बस अड्डे या महाराणा प्रताप जो भी इसका नाम है। मैंने गलती की है कि मैं बस से आया हूं, आप बस में ना आए, बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत घुमा के लाती है बस। अगर आपको लेना है तो मेट्रो लीजिएगा, मेट्रो स्टेशन बिल्कुल एकदम बगल में है इसके और आपका बहुत टाइम बचेगा और कंफर्टेबल भी अच्छा है वो। बस से कंपेयर करेंगे तो भले थोड़ा भीड़ होगी उसमें लेकिन सही टाइम पर पहुँचा देगा आपको। सो बस अड्डे के अंदर का सीन ये है, यहाँ पर सिक्योरिटी चेक हो रहा है, स्क्रीनिंग चेक हो रहा है और मैं जा रहा हूँ अभी ऋषिकेश। सो ऋषिकेश के सफ़र आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपके लिए ऐसे ब्लॉग में बनाता रहूँगा। टेक